अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है मेरे गांव का। तो अभी मैं गांव जा रहा हूं, आपको आज मैं अपना गांव दिखाऊंगा, गांव के रास्ते दिखाऊंगा। तो गांव के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाहरी बार हम विज़िट करके वापस आ जाएंगे जी। तो हमने तकरीबन आधा सफ़र तय कर लिया है। ये रास्ते में एक बस्ती आती है, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मेरे गांव का जो रोड है वो ये लोकल रोड मंडी मदरसा से शुरू होता है, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो ये सारा इस तरह लोकल रोड है। और ये जो अभी लाइन आप देख रहे हैं, बड़ी लाइन बिजली की, ये अभी नई नई लगी है। तो ये पता नहीं कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है। अभी इस पर अभी अभी तारें लगी हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल हैं बड़े वाले। तो आज 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर है, और आज जो है गंदम की भी बिजाई हो रही है, कुछ इलाकों में हो ही गई है। तो ये देखें अभी छोटी छोटी गंदम उगी हुई है। तो बस अभी हम अपने गांव में पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर पहुंच कर मैं, वैसे तो हमारी ज़मीनें जहां से स्टार्ट हो जाती हैं इधर लेफ्ट साइड पर, ये हमारी ज़मीन है सारी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, ये सारी ज़मीन हमारी है। और आगे भी मैं आपको अपनी ज़मीन और भी दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पर हमारी है। हम अपने गांव में पहुंच आए हैं, और इधर से 1 एकड़ छोड़कर आगे हमारी ज़मीनें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी ज़मीन के साथ वाली ज़मीन है, यहाँ पर गंदम छोटी छोटी उगी हुई है, यहाँ पर कुछ बेहतर है, तो अभी इतनी हरियाली नहीं है जी। अब मैं अपनी ज़मीन के अंदर खड़ा हूँ। ये पीछे रोड तक है, सारी हमारी ज़मीन है। ये रोड से लेकर ये आखिर तक 7-8 एकड़ हमारे बनते हैं। यहाँ पर हम खुद तो काश्त नहीं करते हैं, हमारे काश्तकार से ये ज़मीनें काश्त करते हैं। ये हमारी ज़मीन के साथ ही छोटे छोटे बच्चे थे, ये डॉग्स के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। ये बेचारे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लगता है इनकी माँ इनके लिए खाना लेने गई है। चलो आ जाती है, वो भी सर्दियों के दिन है, आज इतनी सर्दी नहीं है। ये सामने सारी हमारी ज़मीन है, वो सामने ट्यूबवेल है, ये देखें, ये लगता है अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। तो इनकी माँ भी आ जाती है इनके लिए खाना लेकर जी। तो अब हम वापस जा रहे हैं, हमें एक छोटा सा काम था वो भी कर लिया है, और आपको ज़मीनों के और अपने गांव के कुछ हिस्से भी दिखा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।